दोनों टीके न लगवाने वाले लोगों को यदि धार्मिक स्थल, मॉल सहित अन्य प्रतिष्ठानों में प्रवेश दिया जा रहा है तो संबंधित स्थान को सील करने का आदेश मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी ने शनिवार को दिया। उन्होंने 14 अक्टूबर तक शहर में मिशन कवच कुंडल मुहिम व्यापक तरीके से चलाने के निर्देश भी दिए। मनपा मुख्यालय में शनिवार को टास्क फोर्स समिति की बैठक हुई। इसमें तीसरी लहर को टालने और टीकाकरण मुहिम को व्यापक बनाने पर चर्चा हुई। इस दौरान यह तय हुआ कि दोनों टीका लगाने वालों को धार्मिक स्थल, मॉल आदि में प्रवेश दिया जाए। इसके लिए मनपा प्रशासन की ओर से सहायक आयुक्तों को जरूरी निर्देश दिए गए। आयुक्त ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम की आयोजन समिति, मॉल प्रबंधन और प्रशासन को नियमों का पालन कराने के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। जो भी नियमों का पालन नहीं करा पा रहे हैं उन्हें कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। संबंधित स्थल और प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा। मनपा ने धार्मिक स्थल मॉल की जांच शुरू की है। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर, WHO के प्रतिनिधि राजित खान आदि उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।